नमस्कार, राग परिचय में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। बड़ा आनंद हो रहा है कि फिर से मैं राग परिचय शुरू कर रहा हूं। इस बार थोड़े से अलग रागों को लेकर निकलेंगे। प्रचलित जो राग है उनमें से करीबन 60 राग हम देख चुके हैं इस श्रृंखला में पहले। अब थोड़े से अलग रागों की तरफ देखते हैं और शुरू करते हैं राग तिलक श्याम से। पंडित रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है और उन्होंने दो ऐसे राग जोड़ दिए हैं और ये बहुत सुंदर सा मिश्रण बनाया है। एक है तिलक कामोद और दूसरा है श्याम कल्याण। सो देखते हैं कि ये मिलावट दो रागों की कैसे हुई है। पहले देखते हैं तिलक कामोद। तिलक कामोद कैसे हैं? देश से बहुत मिलता जुलता है ये राग। निषाद जो है काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। और कोमल निषाद का जो प्रयोग है वो मीन में होता है षड्ज से पंचम के जोड़ में। सो कोमल निषाद लगता नहीं है, तो आप अगर राग का नोटेशन कहीं पढ़ने जाओगे तो कोमल निषाद लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोमल निषाद वैसे लगता नहीं है। और ये ध म जो कनेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है इसमें। ऊपर चल के जैसे यहाँ पे निषाद प्रोमिनेंट है वैसे गंधार प्रोमिनेंट हो जाता है। निषाद गंधार की जोड़ी यूज हो रही है। ये हुआ
तिलक का मोड़ है। अब श्याम कल्याण क्या है? कल्याण अंग का राग है, तो पसा नीरे सा यहीं से शुरुआत होगी उसकी। मध्यम का प्रयोग है रे म प, उसके बाद ये प ग मीन बहुत राग दर्शक है। ये फिर कल्याणवाचक फ्रेज है, अब इन दोनों को अगर जोड़ना है, मिलाना है, तो इनके जो जॉइंट्स है उनको देखना पड़ेगा। ऐसे करके ये दोनों राग जुड़ रहे हैं, काफी सारे जॉइंट्स मिलते हैं जहां पे ये कनेक्ट होते जाएंगे। एक राग में से एफर्टलेसली दूसरे राग में हम जा सकते हैं। ऊपर जब आगे चलते हैं ऐसे जा रहा है तिलक का, ये बहुत तिलक का मोड़ में ही होगा। दूसरी तरफ श्याम कल्याण जब ऊपर निकलेगा तो ऊपर चल के भी दोनों राग एक दूसरे से टकराते हुए, एक दूसरे में मिलते हुए हम साथ लेके जा सकते हैं। Thank you.
ऐसे करके पंडित रविशंकर जी के जीनियस ने एक अद्भुत सा मिश्रण हमारे सामने रख दिया है। रविशंकर जी ने इस राग को बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है फिल्म अनुराधा के लिए। आपको याद होगा जाने कैसे सपनों में, पहले उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो कैसे खूबसूरती से दोनों रागों को मिला दिया है, तिलक कामोद और श्याम कल्याण को। Mm-hmm.